जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मगर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी का अनुष्ठान जारी है। पीएम मोदी हर रोज सुबह 3:40 पर जाप करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में 1:11 पीएम विशेष पाठ करते हैं। आध्यात्मिक जगत के कुछ सिद्ध पुरुषों द्वारा प्राप्त मंत्र जाप का विशेष पाठ प्रधानमंत्री हर रोज ब्रह्मा मुहूर्त में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान का आज 9वां दिन है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीजापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। बांसगुंडा थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई। बलम नेड्रा इलाके में मुठभेड़ जारी है। विनोद कर्मा राजू पुनेम की मौजूदगी की खबर है। 20 से 25 नक्सलियों के मौजूद होने की भी खबर है। डीआरजी और कोबरा बटालियन की यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो मुठभेड़ की यह खबर है, 20 से 25 नक्सलियों के मौजूद होने की भी खबर है। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये मुठभेड़ की खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और 20 से 25 नक्सलियों के वहां पर होने की खबर भी है। फिलहाल सर्चिंग चल रही है और वहां पर मौके पर बड़े अधिकारी और टीम पहुंची हुई है। बलम नेड्रा इलाके में ये मुठभेड़ होना बताई जा रही है। विनोद कर्मा राजू पुनेम की मौजूदगी की खबर भी इस वक्त मिल रही है। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़, आए दिन ये तस्वीरें यहां पर आती हैं। नक्सलियों की सक्रियता लगातार यहां पर रहती है। कायराना करतूतें हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से कायरता नक्सलियों द्वारा लगातार दिखाई जाती है और एक बार फिर यहां पर सक्रियता कहीं ना कहीं नक्सलियों की फिर से दिख रही है। 20 से 25 नक्सली होना बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं और सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। बिलासपुर में टोनी बताकर प्रताड़ना से बुजुर्ग महिला की मौत, इलाज के दौरान गई जान।